नमस्कार, हाजिर है हम सीधी बात के कार्यक्रम में। आप हर बार की तरह इस बार भी एक नया शख्स हमारे साथ है और विद्यावती तृतीय वार्ड के संभावित प्रत्याशी हमारे साथ होंगे आज की चर्चा और बातचीत में। लगभग वो सच जो हर बार आपके सामने हम पेश करने का प्रयत्न करते हैं वो इस बार सार्थक फिर से होने जा रहा है। नाम है चंद्रमणि पांडे, लोग रिंकू भैया भी कहते हैं। बहुत पुराने समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, लेकिन प्रामाणिक समाज सेवा रहे हैं नहीं, समाज सेवी इन्होंने जो क्षेत्र में काम किए हैं वो प्रामाणिकता के युक्त रहे हैं नहीं, इसकी जांच और पड़ताल वाले सवाल हम करेंगे। लेकिन एक बात है ना, ये नगर निगम के चुनाव और ये बरसात, लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है चुनाव, लेकिन ये बरसात हम कहें, इसमें ऐसे ऐसे लोग बाहर निकल कर सामने आते हैं जिनका राजनीति में उतर कर सक्रियता तो बहुत रहती है, लेकिन जनता के बीच समाज सेविता के रूप में काम करके या समाज सेवक के रूप में काम करके अगर खगाड़ा जाए उनकी पूरी नीति रीति कुछ और ही नजर आता है। हम पता करेंगे चंद्रमणि पांडे के बारे में भी उनसे सवाल करके, और कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का करने का पूरा प्रयास करेंगे कि वाकई में ये पारदर्शी नेता हैं या ढकोसला। बस थोड़ी देर में सच्चाई के साथ ही सीधी बात के कार्यक्रम में, बस थोड़ी देर। आज जनतंत्र को जरूरत है एक ऐसे नेता की, एक ऐसे कार्यकर्ता की जो प्रामाणिक हो, जो आज पैराशूट की तरह ना उतरा, जिसको जमीन का मतलब पता हो, जिसको पता हो कि जमीन पे चलने से संघर्ष कैसा होता है और जमीन के साथ चलकर उस संघर्ष की भावनात्मक दृष्टि से एक कोण जो बनता है वो क्या है। ये शख्स है चंद्रमणि पांडे, जिसको पता है कि संघर्ष क्या है, आंदोलन क्या है और क्या है जनहित के मुद्दे उठाने का तरीका। लगातार जनता के बीच सक्रिय और लगातार भारतीय जनता पार्टी का दामन और झंडा लेकर चलने में पीछे नहीं हटे चंद्रमणि पांडे। एक समय था जब भाजपा के कार्यकर्ताओं की गिनती उंगलियों में हुआ करती थी, उस समय एक गिनती हुआ करती थी कार्यकर्ता के रूप में चंद्रमणि पांडे का। कई भारतीय जनता पार्टी के पदों पर बैठकर उसका उस पर भरसक और भरपूर पद के अनुसार निर्वहन किया अपना कर्तव्य और निर्वहन करते करते इस बार विद्यावती तृतीय से संभावित प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन देखते हैं टिकट मिलेगी या नहीं। लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार तो मजबूत और कर्मठ नजर आ रहे हैं चंद्रमणि पांडे, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से इन्होंने विपक्ष का विरोध इतने जोरदार तरीके से किया है, चाहे कोई भी मुद्दा विपक्ष का हो, यानी भाजपा के जो विपक्ष पे रहा उसकी बात कर रहा हूँ, भाजपा के विरोध पक्ष में जो भी था उसका विरोध करने में चंद्रमणि पांडे सदैव आगे रहे और युवाओं का हौसला बढ़ाने में और विपक्ष के प्रति सक्रिय भूमिका निभाने में चंद्रमणि पांडे ने एक युवाओं का रूम साफ किया। भाजपा के पक्ष सदैव आते गए और कार्रवाई छोड़ता गया। इस बार देखते हैं क्या होगा, लेकिन निश्चित रूप से इस बार की जो पूरा वातावरण है उसमें ये साफ साफ कि आवश्यकता है एक ऐसे व्यक्ति जो कर्मठ हो, जो लगातार सक्रिय हो, जो ढकोसलेबाज न हो, इसका चेहरा स्पष्टवादी हो, इसके कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगे तब लगाने वाला भी एक प्रश्न हो, निरंतर लगातार निरंतर काम करने वाला, सक्रिय रहने वाला, धरातल पर प्रमाणिकता के आधार पर। चंद्रमणि पांडे हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, लगातार सक्रिय, लेकिन एक बात, राजनीति में उतरने के बाद आवश्यकता आज किस चीज की, आवश्यकता आज किस दिशा की, उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं सीधी बात के कार्यक्रम में चंद्रमणि पांडे, और उस सच्चाई को और भी परिपक्व करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए मिलते हैं चंद्रमणि पांडे से, लेकिन एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, लगातार सक्रिय और जनता के प्रति जिस प्रकार से इनका लगाव और जुड़ाव और बहाव रहा है उसी की चर्चा है चंद्रमणि पांडे। भविष्य में देखते हैं टिकट मिलता है, उपस्थित है हमारे साथ सीधी बात करते हैं। हैं हम सीधी बात के कार्यक्रम में, फिर से वही सारी चीजें जो सच के साथ सामना आपका होगा। अभी कुछ देर पहले कुछ तस्वीरें आपने देखी, उसके माध्यम से ये मालूम तो पड़ गया होगा कि चंद्रमणि पांडे की गहराई कितनी है समाज सेवक के रूप में और राजनीति के रूप में। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ उपस्थित है चंद्रमणि पांडे। नमस्कार। नमस्कार।
चंद्रमणि जी, राजनीति में आप उतरे जी। बहुत लोग होता है कि राजनीति में उनका एक मकसद होता है, पद, प्रतिष्ठा, फूल माला, मंच, तालियां, जनतंत्र पीछे चले, जयकारा लगाए, बस इसके लिए वो राजनीति में उतर जाते हैं। उनका मूल मकसद जो जनतंत्र को चाहिए समाज सेवक के रूप में, वो नहीं मिल पाता। आप उतरे क्यों थे? मंच माला, ताली, गड़गड़ाहट, ये सब और जयकारा, या कुछ और? मेरा उद्देश्य था बचपन से सेवा करना, आम पब्लिक। मैं सरकारी नौकरी में 3 दिन नौकरी करके छोड़ के आया और समाज की सेवा करने के लिए। नहीं कि समाज की सेवा करने के लिए आप नौकरी छोड़ा है, ये बात हम माने कैसे? ये मुझे पता नहीं क्यों परमानेंट मुझे आज़ादी पसंद थी, आज़ादी की वजह से मैंने नौकरी नहीं किया और मुझे ये समझ में आया कि मैं समाज की सेवा करूं तो ज़्यादा बेहतर कर सकूं। ये कब आपको, इतने सारे समाज सेवक पहले से थे आपके, आप एक और बन गए, आपको ये बनने की इच्छा, जागृति जो अंदर पैदा हुई, वो कब और क्यों, क्या देखते हुए आपको लगा कि मेरी जरूरत है समाज में या मुझ जैसे लोगों की जरूरत है, तो क्या देखा और क्यों आ गए फिर? सन 1997 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यक्रम को मैं देखा और उनके जो विचारधारा मुझे समझ में आई, इसकी वजह से मैं शाखा में जाना शुरू किया। फिर पार्टी के सिद्धांतों को, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत मुझे पसंद आए, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में सन 1997 में पार्टी में ज्वाइन किया। उसके बाद मैं 1997 में युवा मोर्चा वार्ड अध्यक्ष बना दिया गया। पार्टी ने मुझे उस दायित्व के लायक समझा, मुझे 1997 में युवा मोर्चा वार्ड अध्यक्ष बनाया। फिर 3 साल का कार्यकाल होता है, मंडल उपाध्यक्ष, मंडल महामंत्री, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा 2 बार, भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष मेन बॉडी 1 बार, वर्तमान पद दायित्व मुझे अवध क्षेत्र मंत्री भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का दिया गया, क्योंकि मैं लगातार पार्टी में जो भी जिम्मेदारियां दी गई, पार्टी ने जो उचित समझा मेरे लायक, वो मैं पूरी जो है कोशिश तन मन से अपने लगा के मैंने, और जहां जरूरत पड़ी धन वहां मैंने उसको जो है पार्टी में खर्च करके पार्टी की सेवा और जैसा दायित्व मुझे जिम्मेदारी दी गई मैंने पूरा किया। आप करते रहे, लेकिन यहां सवाल ही इस बात का है, आप कह रहे थे आप समाज सेवक के रूप में, आपको लगा कि समाज की सेवा की जाए तो आप राजनीति में आए, आपने आरएसएस का जिक्र किया, उसके बाद करते करते पहुंच गए आप सारे पदों पर, पदों के बाद आखिरी में आपने तन मन धन से पार्टी की जो सेवा की उसका, उसको आपने बखान कर दिया। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ कि चंद्रमणि पांडे को क्या दिखा, क्या लगा, क्या अव्यवस्था देखी आपने समाज में कि समाज सेवक बनने की इच्छा जागृत हुई, पहली बात। नंबर 2, पूरी तरह आपने जो बताया उसमें पार्टी पार्टी नजर आ रही है, समाज सेवक के रूप में कहाँ उभर के आए? तो खाली एक कार्यकर्ता है आप भी, जैसे एक कंपनी में कोई वर्कर है, कंपनी के लिए काम करता है, कंपनी को जिता रहा है, कंपनी को खिला रहा है, कंपनी का बेनिफिट हो रहा है, बात खत्म। उस तरह आप समाज सेवक कहाँ रह गए? या तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और चंद्रमणि पांडे रह गए, 2 चीजें हैं, जनता का लाभ का क्या है? मैंने लगातार जनता के बीच में, जनता के जहाँ जरूरतें पड़ी, चाहे थाना असियाना, चाहे जिस थाने में जो मेरे सारे पद, तो आप भाजपा के लिए बैठे थे, कहाँ आप जनता के बीच काम कर पाए होंगे, या तो भाजपा ही छुट्टी नहीं पाई होगी आपने। मैंने लगातार जो पार्टी का जो कभी कभी कार्यक्रम होता था, उसके अलावा मैं पब्लिक के बीच में, समाज के बीच में रह के हर जो जैसा जिसको जरूरत थी, चाहे हॉस्पिटल से संबंधित, थाना से संबंधित, स्ट्रीट लाइट, सीवर लाइन, जहाँ जैसी जरूरत पड़ी, अगर मुझे पता लगा तो मैंने उसको निश्चित जो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट रही हो, मैंने मेरे साथ जानकारी में सारी चीजों को मैंने खत्म किया। आप ये बात कह रहे हैं कि जहाँ पर जनता ने आपकी आवश्यकता समझी आप वहाँ खड़े रहे, चलो ठीक, थोड़ी देर के लिए बात मान लेते हैं, हालांकि प्रमाणिकता पर हम आएंगे। ये बता दीजिए, क्या राजनीति करने के लिए ही, राजनीति में उतर कर समाज सेवा का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर ही समाज सेवा हो सकती है? नहीं, और भी तरीके हैं ना, ये कि यही तरीका क्यों अपनाया? ऐसा इसलिए था क्योंकि देश के प्रति और उसके संघ की विचारधारा मुझे पसंद आई, मुझे लगा कि इस पार्टी का भी जो है समाज में, जो समाज के लिए काम करती है, इसलिए मैंने वो पार्टी ज्वाइन किया और समाज में काम करने के लिए। अभी भी एक बात स्पष्ट नहीं हुई, समाज सेवक और पार्टी दोनों को आपने मिला लिया और आप सोच रहे थे कि पार्टी ही एक भाजपा है जहां पर समाज सेवक बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं और काम कर सकते हैं, ये राष्ट्र निर्माण की विचारधारा इसी पार्टी में नजर आई आपको, इसलिए जी। चलिए एक प्रश्न और, अब तक आपने विद्यावती तृतीय वार्ड और आसपास के क्षेत्रों में जनतंत्र के लिए कितना त्याग, कितनी संघर्ष, कितना लोक संघर्ष आपने किया, जरा उसका बखान करिए, तो मालूम पड़े कि प्रमाणिक हैं आप। विद्यावती तृतीय के लिए स्पेशली कितना आपने लोगों के लिए किया वो बता दीजिए जरा, मालूम पड़े कि हाँ समाज सेवक हैं आप,
कुछ जनता के लिए आपने किया कभी? बहुत जैसे क्या काम किया सोचना पड़ गया आपको? फिलहाल इस बात का प्रमाण हम कैसे देंगे? एक मिनट, प्रमाण आपको कैसे दें? हम तो बता सकते हैं। नहीं, प्रमाण तो प्रमाण आपके पास शब्दों के माध्यम, जगह के माध्यम से हम पता कर लेंगे ना। वो तो आप वो बता रहे हैं, आप सोचना पड़ गया कहीं गड़बड़ है। नहीं नहीं, मैं नया वार्ड बना था, आपने कहा विद्यावती तृतीय में आपने क्या किया, तो इसलिए संभावित प्रत्याशी है इसलिए हमने पूछ लिया आपसे। ये नया वार्ड बना हुआ है इसलिए मुझे सोचना पड़ा। अच्छा ठीक ठीक, बताइए। लोक बंधु हॉस्पिटल साक्षात गवाह है, आँख के डॉक्टर, उनके यहाँ कम से कम अभी तक मैंने 300 से साढ़े 300 लोगों का इलाज करवाया होगा केवल आँख का। इसमें डॉक्टर का डॉक्टर डॉक्टर की इसमें तो तारीफ होनी चाहिए, इसमें आप क्यों? हम साथ जाके या फोन करके मेरे द्वारा ये जो सारे ट्रीटमेंट हुए, कई ऑपरेशन आँखों के, वो मैं मेरे द्वारा हुए, जिसका कोई पैसा नहीं लिया गया, मैंने उसको जो है वो किया, उस बात का मेरे पास साक्ष्य प्रमाण है। इसके अलावा आँख के अलावा मैंने जो है, चाहे महिला प्रॉब्लम रही हो चाहे किसी तरह की, डॉक्टर बीके सिंह फिजिशियन इस बात के वो भी आपको बता सकते हैं कि उनके पास लगातार जब भी जरूरत पड़ी तो मैं पेशेंटों को लेके जाना पड़ा। हड्डी के डॉक्टर लोक बंधु हॉस्पिटल में मुझे अधिकतर लोग जानते हैं केवल इसलिए कि जब जब रात में जरूरत पड़ी या दिन में जरूरत पड़ी तो मैं लगातार लोगों के साथ जाकर रात में 1:30 बजे 2 बजे या दिन के सुबह आओ सो के उठने के बाद मैं जो लोक बंधु हॉस्पिटल, उसके अलावा जहां कहीं जरूरत पड़ी थाने में, अगर जरूरत पड़ी तो मैंने थाने में संघर्ष किया, थाने में बातचीत करके उसके मामले को खत्म करने की कोशिश किया। लाइट की अगर समस्या हुई तो बिजली घर पावर हाउस आप जाके जानकारी कर सकते हैं, चूंकि एसडीओ भी नया है, बाकी वहां का जो पुराना स्टाफ है, निचले स्तर का पुराना स्टाफ है, मेरे नाम के बारे में जानकारी कर सकते हैं कि जब जब लाइट की जरूरत हुई तब तब लाइट के लिए मैंने हर जगह संघर्ष किया और बातचीत करके मैंने उसको सही कराया। सीवर समस्या जब जब आई, वर्तमान इस समय जो आपके वहां पे एक्सियन है वो भी मुझे जानते हैं क्योंकि आए दिन मैं फोन करके उसको सही कराया। स्ट्रीट लाइट में जब जब जहां दिक्कतें आई, अंधेरा रहा, अभी मैंने एक हाई मास्क लाइट के लिए जो है सेक्टर एच में भगवती पार्क में हाई मास्क लाइट के लिए जो बात कर लिया है, एक्सियन ने मुझे आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर, चूंकि आचार संहिता लग गई, हो सकता संभवतः न लग पाए, 1 महीने के अंदर उन्होंने हाई मास्क लाइट लगाई क्योंकि वहां पे पार्क में अंधेरा रहता था, चूंकि उस पार्क में लगाने का आश्वासन दिया है। आश्वासन दे दिया, उसने कहा पास हो चुका है, उन्होंने कहा कि चूंकि जस्ट आचार संहिता लगने के 3 दिन पहले बात हुई, उन्होंने कहा 1 महीने के अंदर लगा देंगे। आचार संहिता लग गई, आचार संहिता खत्म होने के बाद हाई मास्क लाइट, सांस ले लीजिए, पूरा अंधेरा रहता था। अंधेरा होने की वजह से वहां दुर्गा पूजा एक होती थी, मैं जब वहां गया मुझे जानकारी मिली, मैंने एक्सियन से बात किया, उसके बाद उसको मैंने पास कराया। जहां जहां जरूरत पड़ी, अगर सीवर का ढक्कन टूटा हो, E3 कॉलोनी आप चले जाइए, E1 में चले जाइए, जानकारी कर लीजिए, जहां जहां ढक्कन टूटा हो वहां पे मैं खड़े होके, मैंने कईयों काम खुद अपने खड़े होके कराया। अच्छा ऐसी जी, एक चीज बताइए, आपने इतनी चीजें गिना दी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तब आपका स्टैंड क्या होगा? टिकट नहीं दिया तो पार्टी जिसको जो टिकट देगी मेरे वार्ड में, मैं उसके साथ लग के अपने सारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों के द्वारा, उसका चुनाव प्रचार में पूरी मेहनत के साथ मैं कमल को जिताने की कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी से मतलब मुझे नहीं है, मुझे कमल के फूल से मतलब है। आपको लगता नहीं जिस तरह से आपने काम गिनाए हैं, आज जरूरत है ऐसे, क्योंकि मेरे सीधी बात के कार्यक्रम में बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो एक धारा प्रवाह से सत्य बात रख सके, और आपने सारी बातें प्रमाणिकता कह सकते हैं कि सारी बातें तथ्यात्मक तरीके से रखी हैं। अगर हम ये अगर जांच करें तो मुझे ये ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है। तो ऐसी सब काम करने वाला व्यक्ति, वो इंतज़ार करे टिकट का, और टिकट ना मिले तो वो समर्थन करे किसी और का, क्या आपको लगता नहीं लोकतंत्र ऐसे जीवित नहीं रहेगा? नहीं नहीं, चूंकि मैं एक संगठन का कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता हैं, समाज कुछ नहीं है, संगठन मुख्य है, भारतीय जनता पार्टी मुख्य है, समाज कुछ नहीं है। नहीं नहीं, संगठन महत्वपूर्ण, जनतंत्र है या पार्टी है? संगठन जनतंत्र मुख्य है या पार्टी मुख्य है? जनतंत्र। जब जनतंत्र मुख्य है तो फिर आपको तो फिर फैसला ले लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जनतंत्र ही सर्वोपरि होनी चाहिए, और पार्टी अगर ऐसा फैसला करे जहाँ पर टिकट या टिकट पर एक सेवार्थी व्यक्ति रुक जाए तो वहाँ तो खड़े हो जाना चाहिए फिर आपको। नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने काम के आधार पे कि पार्टी मुझे ही अपने इस वार्ड का प्रत्याशी घोषित करेगी। सरोज नगर विधानसभा क्षेत्र से काम के आधार पर कई थे विधानसभा टिकट के दावेदार, लेकिन कोई और आ गया था और इस समय मंत्री है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है? ये भाजपा है,
यहाँ बहुत कुछ एक एक रात में बदल जाता है। तब आप, मैं स्थिति पूछ रहा हूँ, उस दौरान क्या उस समय ये सोचना नहीं चाहिए कि जनतंत्र मुख्य है, प्रजातंत्र मुख्य है, प्रजातंत्र की सेवा मुख्य है और आपके सिद्धांत मुख्य है, तो आपको चुनाव लड़ लेना चाहिए। समाज की सेवा करने के लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं कि हम सभासद बने तो ही समाज की सेवा करें। हम बिना सभासद रहते हुए समाज की सेवा करना एक अलग चीज है। और सीमा तक, एक सीमा तक कर पाएंगे, उसके आगे नहीं। नहीं, बिल्कुल मैं करता रहूंगा जब तक करते रहेंगे चुनाव, फिर लड़िए ही ना, बैठिए घर पर, क्या जरूरत है, जैसे कर रहे थे करते रहते वैसे। चूंकि लोगों ने कहा और मेरे बीच के मेरे अपने लोग समाज के कहे कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप इस लायक हैं, यानी कुल मिलाकर मैंने दावेदारी किया और पार्टी से मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझे अगर लायक समझेगी तो मुझे जो प्रत्याशी बनाएगी, सिंबल देगी, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। नहीं, जिसको देगी मैं उसको चुनाव। कहने का तात्पर्य यह है कि टिकट नहीं मिली तो आप समर्थन करेंगे, चलिए बात मान लेते हैं। फिर जनतंत्र प्रमुख कहां रहा, जो पहली बात आपने कही। दूसरी बात यह, आपने कहा सभासद होना जरूरी नहीं है सेवा के लिए। जरा ये बता दीजिए, सभासद होना जरूरी नहीं है तो ये जो अव्यवस्थाएं हैं उसको कौन दूर करेगा? क्या वही लोग तो जिस पार्षद बनते आए हैं वही सारे लोग? कुछ तो होना चाहिए उम्मीद किरण। जनतंत्र के लिए सभासद होना अनिवार्य नहीं, जनतंत्र के लिए एक समाज में सेवा करना मेरा उद्देश्य और मैं समाज की सेवा करता रहूंगा, उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। सभासद से ऊपर भी लोग हैं जो उसको सुधारा जा सकता है, जो कमियां उसको आगे जो उससे ऊपर भी लोग हैं उनसे बात करके उस स्थिति को सुधारा जा सकता है। यानी हम ये माने चंद्रमणि पांडे कह रहे हैं कि अगर टिकट नहीं मिला तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी, और चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है? नहीं, यानी सभासद बनना जरूरी नहीं? सभासद बनना कोई जरूरी नहीं, समाज की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए सभासद बनना ही जरूरी नहीं है, समाज की सेवा बिना सभासद के भी की जा सकती है। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि समाज की सेवा आप करते रहेंगे, टिकट मिले ना मिले वो अलग बात। जी।